नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अराजी महुआ में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त 2-4-10 दिन के बीच से जो नौतनवा थाना क्षेत्र के तमाम गांव हैं वहां पर चोरों का खौफ लोगों में बरकरार है। ऐसी ही एक घटना हुई है आज अराजी महुआ में, जहां चोरों द्वारा 2 बजे रात को घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने की मामला प्रकाश में आया है और कई गांवों में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आइए हम आपको जो लोग हैं उनसे बातचीत कराते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये घटना जो है की गई। ग्रामीणों ने बताया कि जब वो चोरों को दौड़ाते हुए आए तो यहाँ पर गाँव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुबह में, हालांकि रात में नहीं पता चला, एक व्यक्ति की मोबाइल गायब हो गई और एक व्यक्ति जो है वो जग गए उनका मोबाइल लेकर भागने के फिराक में से चोर। लेकिन जब सुबह में ग्रामीण आते हैं तो यहाँ पर उनको मिलता है कि एक जो साइकिल है यहाँ पर पीपल के पेड़ के बगल में जो है एक साइकिल यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस पे चप्पल भी है, इसके अलावा जीन्स है, तमाम चीजें हैं। और इसके अलावा एक साइकिल जो है यहाँ पर लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला है उनको। और इन्होंने जब तलाश किया तो बता रहे हैं कि कुछ जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि कौन लोग हैं, क्योंकि रात का समय था तो मौका पाकर वो लोग भाग निकले हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि बता रहे हैं कि पुलिस को जो है प्रथम दृष्टता जो है सावधानी बरतते हुए सूचना दी गई है। जिनका मोबाइल निकालने की कोशिश की गई थी वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ रहने वाले हैं? नजाबुद्दीन। कब ये घटना हुआ, क्या क्या हुआ बताइए। 2 बजे रात से। कैसे पता चला आपको? जब मसारी हटा रहा है तो हमारी नींद खुल गई, उसको उतारे तो भाग चले। अच्छा, और पता नहीं चला किधर भागे? नहीं। और कितने की संख्या थी ऐसा कुछ, मतलब कितने लोग रहे होंगे ऐसा कुछ अनुमान नहीं है? नहीं, दो दो लोग रहे हैं। और सुबह में क्या पता चला आप लोग? सुबह में जब हम लोग देखे थे साइकिल इधर उधर फेंक रही। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया है? और साइकिल किसकी है अभी पता नहीं चल रहा है। साइकिल पता नहीं चला। इसके अलावा जिनका मोबाइल गायब हुआ है ये हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पारस। कैसे पता चला कि आपका गायब हो गया? 11 बजे तक मैं जाग रहा था, जब गहरी नींद में सो गया उसके बाद मैं मोबाइल धीरे से निकाल के लेके चला आया, तब सवेरे हमको पता चला। अच्छा, सुबह जब आप देखे यहाँ आए तो साइकिल पड़ा मिला तो आपको लगा कि चोर ही थे? प्रधान जी, क्या कुछ मामला है बताएंगे? मामला यह है कि इनके बताने के अनुसार जो है 2 बजे रात को इनके घर में घुस करके एक लड़का जो है वो मोबाइल खींच रहा था, तब तक इन्होंने इनकी नींद खुल गई और ये उसको मतलब दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद जो है ये चले आए। सुबह हमको पता चला तो सुबह हम लोग जब देखने लगे तो देख रहे हैं कि मेरे दरवाजे के ठीक सामने 2 साइकिल है, तो साइकिल पता चला कि मतलब जो है तो उसको अपने दरवाजे पर रखवाए। अभी कुछ मतलब 1 घंटा पहले एक लोग चौतरवा से आए थे, वो कह रहे थे कि प्रधान जी एक साइकिल मेरी है और इसमें जो है एक साइकिल के पता नहीं चल पा रहा है कि किसका है, सुरक्षित रखवा दिया गया है और टेलीफोनिक सूचना थाने पे दे दिया गया है। आपको बता दें कि साइकिल को एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे, जिसका भी हो वह पहचान करके और लिखा पढ़ी में अगर ग्राम पंचायत से सौंपा जाएगा तो पुलिस के माध्यम से ही मिलेगा। लेकिन एक बार आप देख लीजिए अपना, अगर हो तो आप आकर यहाँ अराजी महुआ गांव में साइकिल रखी हुई है, पुलिस के माध्यम से आप आकर अपना साइकिल ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, जैसा रात में फेंका गया था सुबह में जैसी साइकिल पड़ी थी उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है, दूसरा साइकिल ये है। तो कुल मिलाकर ये है कि रात में थोड़ा सा दहशत का माहौल है, चोर जो हैं लगातार जो है हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ जब आया हूँ, ग्रामीण हमें बताए हैं कि इस तरीके घटना हुई, उसी बीच में खैराटी गांव का एक टोला है बहरूपियवा, वहाँ का भी वहाँ के 2 युवक जो है आए थे, उनको कहीं से सूचना मिली कि यहाँ साइकिल रखी हुई है। तो आप सोचिए कि हालांकि उनसे बातचीत करने पता चला कि ये उनकी साइकिल नहीं है, तो यानी कि ये 2-4 गांवों में ये चीज़ चल रहा है। अगर खैराटी में चोरी हुई है और ये जो साइकिलें हैं चौतरवा से लाई गई हैं, एक साइकिल का भी पता नहीं है कि कहाँ का है, तो यानी कि जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हैं, कहीं ना कहीं उनमें खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। आखिर अगर एक ही रात में 2-3 जगहों से अगर चोरी होता है तो इसका मतलब यही है कि
पुलिस या तो निष्क्रिय है या तो चोर जो है उनके हौसले बुलंद हैं। अभी 8-10 दिन के बीच में सिंहरवा गांव से कम 8-10 मोबाइल इसी तरीके से जैसा यहाँ अराजी महुआ में चोरी करने की कोशिश की गई उसी तरीके से वहां गायब हुआ। और हम थोड़ा सा इसमें एक जानकारी और देना चाहेंगे कि इस तरीके की चोरी में छोटी चोरियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चोरी होती है। जो छोटे सामान आपके घर के दरवाजे पर रखा रहता है उसी पर हाथ साफ करते हैं, जैसे साइकिल हो गई और अन्य छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश ये करिए, इस प्रकार की चोरी से बचने का यही तरीका है कि आप लोग जो छोटे सामान दरवाजे पे फेंक देते हैं कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अंदर रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ये जो चोर हैं वो हाथ साफ करते हैं। इसमें जो नशेड़ी टाइप के चोर हैं जो पैसा नहीं पाते हैं वो भी हो सकते हैं, या कुछ इसमें बताते हैं कि बाहरी लोग भी आते हैं कभी कभी, तो विशेष सावधानी रखें। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।